Okay, dear students, very good morning to all of you. Today we will read poem number 4. That's title is Good Books. Good Books का मतलब क्या होता है? अच्छी किताबें. तो इसके poet जो हैं उनका नाम है Ager Guest. तो Good Books हमने last lesson जो पढ़ा था उसमें भी वो lesson भी books के बारे में था. एक लड़की की कहानी थी वो कि जिसको बुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो एट लास्ट वो बुक्स को पसंद करने लग गई थी, पढ़ने लग गई थी. तो आज की पोएम भी हमारी बुक्स के बारे में है, गुड बुक्स. तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन. इफ यू आर बिजी दे विल वेट. दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन और वेक यू इफ द आर इज लेट. तो इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है. देखो ये पहली और तीसरी लाइन की जो साउंड है ना, लास्ट वाले वर्ड की साउंड, वो सेम होगी, और सेकंड और फोर्थ लाउन की, फोर्थ वर्ड की जो है वो भी साउंड सेम होगी. एक बार दोबारा से पढ़ के देखो, जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना उनकी साउंड सेम होती है. ऑन, फोन, वेट, लेट. तो एक बार पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं हम. They stand together row by row upon the low shelf or the high. But if you are lonely, this you know, you have a friend or two nearby. The friendship of book is real. They are never noisy when you are still. They won't disturb you at your meal. They'll comfort you when you are ill. They'll help you pass the time away. They'll give you advice if you need. You have two friends for night and day if you have some good books to read. So start karte hain isko dobara se. Good books are friendly things to own. Jo achhi kitabe hoti hain wo aapki dost hoti hain, aapki mitr hoti hain. Friendly things. Friendly things ka matlab hai dost ki tarah hoti hain. टू ओन, ओन का मतलब है रखना, मतलब कि आप अच्छे दोस्त रखते हो. अगर आप अच्छी किताबें रखते हो तो आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आप अच्छी किताबें रखते हो. मीन्स कि गुड बुक्स का मतलब है कि आप बहुत अच्छे दोस्त रखते हो. गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन, कि गुड बुक्स रखने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी फ्रेंडली थिंग्स हैं. इफ यू आर बिजी दे विल वेट, अगर आप बिजी हो तो ये वेट करेंगी, वो इंतजार करती हैं कि अभी आप बिजी हो, काम में बिजी हो, अभी आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जब आप फ्री हो जाओगे तब आप उनको पढ़ोगे. तो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं वो. इफ यू आर बिजी दे विल वेट, अगर आप बिजी हो तो वो इंतजार करेंगी. दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन, वो आपको फोन करके कॉल भी नहीं करेंगी. वो आपको फोन करके, कॉल करके डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं, तंग नहीं करती हैं. और वेक यू, ना ही आपको जगाएंगी इफ द आवर इज लेट. आवर का मतलब वैसे घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है समय. अगर आप लेट हो गए हो, समय से उठ नहीं पाए हो, समय से उठने में लेट हो गए हो, तो वो आपको जगाएंगी भी नहीं. इसका मतलब है कि जो गुड बुक्स होती हैं या कोई भी बुक्स होती हैं, वो आपको किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं देती हैं, आपको हर तरह से कोऑपरेट करती हैं. क्या क्या बताया कि एक तो वो फ्रेंडली थिंग्स हैं टू ओन, आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं. अगर आप बिजी हो तो वो वेट करेंगी, वो आपको फोन करके कॉल नहीं करती हैं, वो नहीं करेंगी फोन आपको, और ना ही आपको जगाएंगी अगर आप देर तक सो रहे. दे स्टैंड टूगेदर रो बाय रो. स्टैंड टूगेदर, वो एक साथ खड़ी होती हैं, एक साथ पड़ी रहती हैं, रो बाय रो, एक एक रो करके. ये देखो बुक शेल्फ के ऊपर बुक्स पर रखी हैं, देखो एक के बाद एक, 1 2 3 4 रो में खड़ी होती हैं. ये देखो, अगर यहाँ पर ये स्टैक हो रखी है एक दूसरे के ऊपर, इकट्ठी एक साथ पड़ी रहती है. देखो दे स्टैंड टूगेदर, इस सिचुएशन को बोला गया है दे स्टैंड टुगेदर.
स्टैंड का मतलब खड़े होना नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मतलब है कि उनको बुक्स को जहां पर रखा गया है तो वो वहां पर रखी रहती हैं। दे स्टैंड टूगेदर रो बाय रो अपॉन द लो शेल्फ और द हाई। अपॉन मैंने ऊपर, लो शेल्फ मैंने नीचे वाली शेल्फ, और हाई का मतलब है ऊपर वाली शेल्फ। नीचे वाली शेल्फ पर भी और ऊपर वाली शेल्फ पर भी वो रो बाय रो खड़ी रहती हैं। यू कैन सी, ये देखो ये लोअर शेल्फ पे और ये अपर शेल्फ पे। बट इफ यू आर लोनली, लेकिन अगर आप अकेले हो, दिस यू नो, आपको ही ऐसा मालूम है कि आप अकेले हो, आपको पता है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब आप अकेले होते हो, यू हैव ए फ्रेंड और टू नियर बाय, कि आपके पास एक या दो फ्रेंड बैठी हैं। नियर बाय मतलब आपके पास, कि आपके पास एक या दो फ्रेंड्स हैं। जब आप अकेले होते हो तो आपको पता लगता है कि बुक्स के रूप में आपके पास एक या दो फ्रेंड होते हैं। द फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स इज रियल। जो बुक्स के साथ फ्रेंडशिप है, बुक्स के साथ दोस्ती है, वो रियल होती है, असली होती है, वास्तविक होती है। दे आर नेवर नॉइजी व्हेन यू आर स्टिल। दे आर नेवर नॉइजी, नेवर मीन्स कभी नहीं, नॉइजी मतलब शोर करने वाला। वो कभी भी शोर नहीं करती हैं। व्हेन यू आर स्टिल, जब आप स्टिल हो, स्टिल का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप मूव नहीं कर रहे हो, जब आप एक जगह टिक कर बैठे रहते हो या टिक कर खड़े हो, तो यानी कि बिल्कुल शांत बैठे हो, स्टिल का मतलब है बिल्कुल शांत बैठे हो, तो बुक्स जो हैं वो कभी भी नॉइजी नहीं होती, बुक्स कभी भी शोर करके आपको डिस्टर्ब नहीं करती। दे वोंट डिस्टर्ब यू एट योर मील। वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी। मील, मील मतलब खाने के वक्त, जब भी आप खाना खा रहे होते हो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी समय कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। दे'ल कंफर्ट यू व्हेन यू आर इल। कंफर्ट यू, कंफर्ट यू मतलब देखो कंफर्ट का मीनिंग क्या है, मेक यू फील बेटर, आपको अच्छा फील कराएंगी। बुक्स आपको अच्छा फील कराएंगी व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो। जब आप बीमार होते हो तो आप बोल नहीं सकते, आप उठ बैठ नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, आपका मन नहीं लगता है, लेकिन आप चुपचाप लेटे लेटे या अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कोई अच्छी बुक तो पढ़ ही सकते हो। तो अगर आपका मन लगा रहता है उससे, तो बुक्स जो हैं जब आप बीमार होते हो आपको कंफर्ट फील कराती हैं, आपको बेटर फील कराती हैं। नेक्स्ट है, दे'ल हेल्प यू पास द टाइम अवे। वो आपकी हेल्प करेंगी पास द टाइम, टाइम को पास करने में, समय बिताने में, आपकी समय बिताने में हेल्प करेंगी। दे विल गिव यू एडवाइस, वो आपको सलाह भी देंगी। एडवाइस का मतलब है सलाह, वो आपको सलाह भी देंगी। इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है तो वो आपको सलाह भी देंगी। यू हैव टू फ्रेंड्स फॉर नाइट एंड डे। आपके पास सच्चे दोस्त हैं रात के लिए भी और दिन के लिए भी। बुक्स आपके पास हर टाइम अवेलेबल रहती हैं, आप उनको दिन के समय भी पढ़ सकते हो और रात के समय भी पढ़ सकते हो। तो दिन और रात दोनों समय बुक्स आपके पास ट्रू फ्रेंड्स की तरह होती हैं। इफ यू हैव सम गुड बुक्स टू रीड, यदि आपके पास कुछ अच्छी किताबें हैं तो आपके पास दिन और रात हर समय के लिए ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त अवेलेबल हैं। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इसको। प्लीज बी अटेंटिव। गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन। जो अच्छी किताबें होती हैं उनको रखना एक सबसे ही फ्रेंडली थिंग्स, अच्छे दोस्त को रखने जैसा है। गुड बुक्स को रखना अच्छे दोस्तों को अपने पास रखने जैसा है। इफ यू आर बिजी, अगर आप बिजी हो तो वो आपकी वेट करेंगी। दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन, वो आपको फोन करके कॉल नहीं करेंगी। और वेक यू, ना ही आपको जगाएंगी। इफ द आर इज लेट, अगर आप उठने में लेट हो गए हो, समय देरी हो चुकी है, तो आपको वो जगाएंगी नहीं।
दे स्टैंड टूगेदर रो बाय रो, वो एक एक करके रो बाय रो एक साथ खड़ी रहती हैं, एक साथ पड़ी रहती हैं। कहाँ पड़ी रहती हैं? अपॉन द लो शेल्फ और द हाई, या तो नीचे वाली शेल्फ पर या फिर ऊंचे वाली शेल्फ पर। बट इफ यू आर लोनली, लेकिन अगर आप अकेले हो, आपको मालूम है कि अगर आप अकेले हो, यू हैव ए फ्रेंड और टू नियर बाय, कि आपके पास एक या दो दोस्त होते हैं बुक्स के रूप में। द फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स इज रियल, जो बुक्स की फ्रेंडशिप होती है, किताबों की दोस्ती जो है वो सच्ची होती है। दे आर नेवर नॉइजी, वो कभी भी शोर नहीं करती हैं। व्हेन यू आर स्टिल, जब स्टिल का मतलब शांत, जब आप शांत होते हो तो वो कभी भी शोर नहीं करती हैं। दे वॉन्ट डिस्टर्ब यू एट योर मील, और वो आपको आपके खाने के समय कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। दे विल कम्फर्ट यू व्हेन यू आर इल, कम्फर्ट यू, कम्फर्ट का मतलब है आपको बेटर फील कराना, आपको आराम देना। जब आप बीमार होते हो, इल का मतलब है बीमार, जब आप बीमार होते हो तो वो आपको बेटर फील कराती हैं। दे विल हेल्प यू पास द टाइम अवे, वो आपकी हेल्प करेंगी टाइम पास करने में, टाइम स्पेंड करने में, वो आपकी समय बिताने में भी मदद करेंगी। दे विल गिव यू एडवाइस इफ यू नीड, और अगर आपको, इफ यू नीड का मतलब अगर आपको जरूरत है तो वो आपको एडवाइस भी देंगी। यू हैव ट्रू फ्रेंड्स फॉर नाइट एंड डे इफ यू हैव सम गुड बुक्स टू रीड, अगर आपके पास कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास दिन और रात दोनों समय के लिए सच्चे दोस्त हैं। इसकी बैक एक्सरसाइज भी छोटी सी है तो इसको भी साथ के साथ ही कर लेते हैं। इसको मैं भेजूंगी नहीं आपके पास, आप इसको अपने आप से करेंगे। टेक द राइट ऑप्शंस टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इनको राइट ऑप्शंस को हमने टिक करना है। According to the poet, what do books do when you are busy? कि poet के according किताबें क्या करती हैं जब आप busy होते हो, तो किताबें क्या करती हैं? They will force you to pick them up, किताबें आपको मजबूर करती हैं कि आप उनको उठाओ। They will wait and not disturb you, वो wait करती हैं और आपको disturb नहीं करती हैं। They will not be available later, बाद में वो available नहीं होंगी। They will go to others who are free, या वो दूसरों के पास चली जाएंगी जो free होते हैं। तो इसमें से right option क्या है? Second, B वाला। They will wait and not disturb you, कि वो wait करेंगी और आपको disturb नहीं करेंगी। When do they comfort you? आपको वो comfort कब करती हैं? When you are alone, जब आप अकेले होते हो। When you are lonely, जब आप अकेलापन महसूस करते हो। When you are unwell, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। When you are bored, जब आप बोर होते हो। तो किताबें आपको कंफर्ट तब फील कराती हैं जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो इसमें आएगा When you are unwell। तो सिर्फ यही दो हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग मैं आपको इसके बाद में सेंड करूंगी।